हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक. रवीश कुमार स्पेशल एनालिसिस इलेक्शन 2023 एंड 2024. चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहा हूँ. मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कुछ बोलेगा ये तो पहली बार है. मीडिया रिपोर्ट क्या? मैं कोई दावा नहीं. जलन इंसान से क्या क्या करवाती है भाई, ये तो सुना था. मोहब्बत क्या क्या करवाती है, जलन क्या क्या करवाती है, ये आज तुम लोग देख लो. 2024 का जब रिजल्ट आएगा तो ये इसी तरह से एनालिसिस करेगा कि लहर, मीडिया लहर मोदी की देख रहा था लेकिन लहर कमल की थी. क्या मतलब मीडिया लहर को लग रहा था लहर की थी, मीडिया की लहर कांग्रेस की मगर थी कोई और. तुम तो कांग्रेस तो लहर डोभाल साहब की थी पर मोदी की नहीं थी. इसके एनालिसिस समझ रहे हो ना आप लोग, इसका दर्द समझ रहे हो, इसकी जलन समझ रहे हो, इसका इसका दर्द देख के जो बिच्छू काटन हमको, हम अपना दर्द भूल गए. आगे चलो. तो साथियों, जिंदगी में सुख दुख लगे रहते हैं. आज के वीडियो में ज्यादा अकल ना लगाइएगा. आज के एनालिसिस में ज्यादा अकल ना लगाइएगा. मौज लीजिएगा, मस्ती लीजिएगा और निकल लीजिएगा. इन द लाइटर साइड ऑफ द इलेक्शंस, लाइटर साइड ऑफ द एनालिसिस ऑफ इलेक्शंस. जब भारत सेमीफाइनल जीता तो हम लोगों को सुख का एहसास हुआ, जब फाइनल हारा तो हम लोगों को दुख का एहसास हुआ. वो बात अलग है कि कुछ लोगों को फाइनल जीतने पर दुख का एहसास हुआ होगा और फाइनल हारने पे सुख का एहसास हुआ होगा. उन लोगों से मैं ज्यादा राबता नहीं रखता हूं, इनबॉक्स ही उन लोगों के साथ. वो भी बदतमीजी करते हैं, मैं भी बदतमीजी करता हूं. अब आगे बढ़ते हैं. जैसे भैया आप टनल का किस्सा ले लीजिए. टनल में जब हमारे लगभग 45 वर्कर्स फंसे तो हम लोगों को दुख का एहसास हुआ. जब वो निकल के आए हम लोगों को सुख का एहसास हुआ. यहां पर भी कुछ लोग उल्टे होंगे कि जब वो फंसे तो उनको सुख का एहसास हुआ होगा और जब वो सुरक्षित बाहर निकल के आए और उन्होंने इंतजाम और मेहनत की तारीफ करी तो उन लोगों को दुख का एहसास हुआ होगा. अब जैसे तीन राज्यों में भाजपा जीती तो भाई आप में से बहुत से लोगों को सुख का एहसास हुआ होगा. मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसको तेलंगाना कांग्रेस के जीतने पर भी सुख का एहसास हुआ, क्योंकि वहां पर वो गलियों का चार मीनारा का गटर छाप नेता अपनी औकात पर आया. उसका जो पॉलिटिकल अब्बू था वो हार गया, जिसके दम पर उसने 10 साल में तेलंगाना में अपना साम्राज्य इकट्ठा करा था. वो बात अलग है कि तेलंगाना में भी उसको 2.33% वोट मिला है और अपनी गलियों की ही विधायक की वो आदमी जीत पाया है. तो खैर, मुझे तो वहां पे भी सुख का एहसास हुआ. परसों मैंने बिच्छू ने काट लिया तो मुझे दुख का एहसास हुआ. अब मैं फिट एंड फाइन हूं तो मुझे सुख का एहसास हुआ. लेकिन इस सारे सुख दुख के खेल में, हाय, जब मैंने कल एक आदमी का चुनावी एनालिसिस देखा, आहा, जायदों के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का, जब उसकी मैंने तकलीफ देखी, आहा, तो बहुत आनंद का, जब मैंने उसकी चिड़ देखी, आहा, जल बिन मछली की तरह, ऐसा लग रहा था जलते तवे पर बैठकर मेरा प्रोग्राम बना रहा है. तो जब उसका एनालिसिस देखा तो यार कसम खुदा की हंसते हंसते कम होता था कि मैं अपने टेबल से नीचे गिर जाता, कुर्सी से नीचे गिर जाता हंसते हंसते. यार अजब अजब गजब एनालिसिस लेके आया है. अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप उसको क्यों दिखा देते हैं. देखो यार, बीच बीच में कोई बड़ी सीरियस पिक्चर भी होती है तो उसमें एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी बहुत कॉमेडी तो डाली जाती है ना. जैसे राष्ट्र की राजनीति में, राष्ट्र की राजनीति में हैदराबाद के चार मीनारा के गलियों के नेता की कुछ बाइट्स डाल दिए जाते हैं कॉमेडी के लिए, हंसने के लिए. भाई यूट्यूबर्स को और चैनल्स को कंटेंट भी तो चाहिए ना. सब सीरियस हो जाएंगे तो कमबख्त कंटेंट कहां से मिलेगा. तो भैया इसको देख के मुझे इतना मजा आया. आज वीडियो मुझे किसी और चीज पे बनाना था, तेलंगाना के इस पूरे इलेक्शन को एनालाइज करना था और राजस्थान में सीएम कौन बनेगा इसको एनालाइज करना था, तो वो कल कर देंगे. ठीक. तो भैया इसकी मैंने रिपोर्टिंग देखी. यार इसकी तकलीफ देखकर, हमें भी दिखाओ, इसकी तकलीफ देखकर मैं सारे दुनिया के गम भूल गया अपने, हमें भी देख, मजा आ गया.
तो कुछ इसके बिंदु आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं। वीडियो में कोई कंटेंट नहीं है। आज का मेरा वीडियो निरी बकवास है। लो भैया बकवास है, लेकिन फुल एंटरटेनमेंट है। मेरा एनालिसिस नहीं यार, इसका एनालिसिस देखो। इसका तो काफी सुना है ना, ये जो जिस तरह से करता है ये रवीश कुमार जो दिया। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? मेरी हंसी नहीं रुक रही। सीधे मुद्दे पर आ जाता हूं। इंट्रोडक्शन मैंने बहुत लंबा ले लिया कि भाई का एनालिसिस देखो। एनालिसिस जब आती जल भुन के राख को जाता है, राख तो वो कैसा एनालिसिस करता है भाई? आफ्टर ऑल जाहिलों का पत्रकार है, उसको व्यू लेने हैं, वाहवाही लेनी है। तो उसने जो कल नतीजे आए, उसने कुछ किसी चीज को भी एनालाइज नहीं किया। उसने ना तेलंगाना को एनालाइज किया चिड़ में, ना राजस्थान को किया, ना छत्तीसगढ़ को किया, उसने सिर्फ मध्य प्रदेश को किया। अच्छा। और मध्य प्रदेश को किया तो कैसे किया, कुछ उसके अंश निकाल के लाया हूं। तबीयत खुश हो जाएगी। अगले का ईलू हो गया है शिवराज सिंह चौहान से। मोदी की नफरत ने इसको शिवराज सिंह चौहान का फैन बना दिया। मोदी की नफरत ने इसको शिवराज सिंह चौहान का मुरीद बना दिया। तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा, देखो मजे लो, सुनो। मध्य प्रदेश की राजनीति को समझना है तो नतीजों से बहुत पहले के अखबारों की हेडलाइन पलट कर देखिए। चुनावी कवरेज में शिवराज सिंह चौहान की विदाई के अनेक लेख मिल जाएंगे। इन नतीजों को समझने के लिए आपको 4-6 महीने पुराने अखबार खंगालने पड़ेंगे। पहला तो आपको इसने ये काम दिया है, ठीक है, बड़ा मजेदार लेकिन वीडियो है, लेकिन कोई एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो ये वाला वीडियो देख के, थोड़ा कर लो, कॉमेडी के लिए कभी कभी करना पड़ता है। आगे चलो। शिवराज सिंह चौहान की दो तरह से विदाई दिखाई जा रही थी, एक उनकी सरकार से जनता बहुत नाराज है और दो केंद्रीय नेतृत्व अब उन्हें किनारे लगाना चाहता है। सुन रहे हो कह रहा है कि उनकी विदाई दिखाई जा रही थी, मतलब ये अपने हिसाब से एक तंज कस रहा है, ठीक, कि उनकी तो विदाई दिखाई जा रही थी कि देश प्रदेश की जनता उनसे बहुत नाराज है, उनसे यानी शिवराज से। शिवराज कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री है? बीजेपी का। तो इसकी जलन का आज ये आलम है। आगे चलो। उन्होंने अशोक गहलोत की तरह कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं छोड़ता है या वही मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत हार गए। इस हालात में शिवराज सिंह चौहान ने वापसी की है। 20 साल की सत्ता के प्रति नाराजगी और उदासीनता को खारिज करते हुए उन्होंने अपने लिए जीत का रास्ता बनाया। वाह 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 वाह। शिवराज सिंह चौहान ने 20 साल की इनकम्बेंसी को उसने हराया है और जीता है। शिवराज सिंह चौहान, पूरा वीडियो उसका आज शिवराज सिंह चौहान पर है। शिवराज सिंह का ये फैन हो गया है, बुरी तरह फैन हो गया है। जलन इंसान से क्या क्या करवाती है भाई, ये तो सुना था। मोहब्बत क्या क्या करवाती है, जलन क्या क्या करवाती है, ये आज तुम लोग देख लो। आगे चलो। मध्य प्रदेश के नतीजे बता रहे हैं कि लहर शिवराज सिंह चौहान के लिए ही चल रही थी। बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा केस है कसम से यार। आगे चलो भाई, लेकिन ये बात क्लियर कर रहा है कि देखो लहर शिवराज सिंह चौहान की थी, है ना, और किसी और चुनाव की बात नहीं कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, लहर उसी की थी। आगे चलो। और ये लहर कोई एक दिन में पैदा नहीं होती, बरसों की मेहनत से होती है जो शिवराज सिंह चौहान ने की है। आगे चलो। मीडिया किसी और के लिए लहर देख रहा था जो आज गलत साबित हुई। तो ये तो मीडिया था, ये भी तो देख रहा था। ये ही देख रहा होगा मोदी के लिए देख रहा जो गलत साबित हो गए। मोदी से भी प्रॉब्लम है ना, इसलिए मोदी को क्रेडिट नहीं देना। 24 का जब रिजल्ट आएगा फिर देखेगा लहर। तो ये इसी तरह से एनालिसिस करेगा मोदी जी पर कि लहर मीडिया लहर मोदी की देख रहा था लेकिन लहर कमल की थी। ये मुझे समझ नहीं आता। लहर अमीषा की थी, लहर गदगदी की थी, लहर डोभाल साहब की थी, पर मोदी की नहीं थी। आगे चलो यार, बहुत बड़ा केस है कसम से यार ये। आगे चलो। इंडियन एक्सप्रेस में वंदिता मिश्रा का यह लेख है कि शिवराज सिंह चौहान
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं और इस चुनाव में इस बात के कई संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि शिवराज सिंह चौहान का दायरा अब सिकुड़ता जा रहा है। अच्छा एक बात और बताऊं, पहले तुम लोगों को याद होगा ये सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है नंदिता मिश्रा की रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट पर ये पूरा अपना एनालिसिस कर देता है। अच्छा। और आज के वीडियो में इसने ये बात मानी है, या तुम लोग कहोगे कैसे मानी है, मैं बता रहा हूं मानी है, यकीन करो बड़ी बेवकूफी का वीडियो है आज का, थोड़ा और देख लो, इसने मानी है ये बात कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मानी है ये बात, और मैं नंदिता मिश्रा और दूसरों की रिपोर्ट पर ही अपने एनालिसिस को एनालाइज करता हूं, यानी अपनी अकल में नहीं लगाता हूं, इसने मानी है। आगे चलो, वंदिता मिश्रा अपने लेख में इस पोस्टर की बात करती हैं जो हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी का आला कमान जोर लगा रहा है। इसमें 12 चेहरे हैं, शिवराज उनमें से एक हैं और नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे के रूप में पेश किए गए हैं। इस बात से इसे बहुत तकलीफ है कि शिवराज चौहान को छोटा चेहरा क्यों दिखाया गया, बड़ा दिखाना चाहिए था। है? आगे चलो, तो इस तरह से उन्हें किनारे लगाया जा रहा अपने ही 2024 के बाद ये यही कहेगा कि इसमें मोदी का चेहरा बड़ा है और कमल निशान छोटा है, इस तरीके से कमल को किनारे लगाया जा रहा था, लहर कमल की थी। आगे चलो, क्या ये सभी गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे? इस तरह से फैसला देना मेरे लिए सही नहीं है। तो बीजेपी के भीतर से जो फीडबैक मिल रहा था वही लिख रहे होंगे। आप ये मान सकते हैं कि 2014 के बाद बीजेपी की राजनीति में मोदी शाह की वाहवाही कुछ ज्यादा हो जाती है, लेकिन पूरी तरह इन सभी खबरों को आप गलत नहीं कह सकते कि शिवराज को किनारे किया जा रहा था। भैया मान लो कि शिवराज को किनारे किया जा रहा था, मान लो यार, इसके कमेंट इसके यूट्यूब पर जाके कह दो कि भैया तुम्हारी एनालिसिस हमने मान ली और हम 2024 के बाद भी मान लेंगे कि कमल को किनारे किया जा रहा था। ठीक है, क्या बोलवा सच्ची में सेंसलेस बेतुका, ऐसे बंदे को कौन सुनने जाते हैं, रवीश कुमार को, इसकी तो पहली जाते हैं, वही तो दिमाग ही नहीं है, उसकी बातें तो सुनो, क्या अपना मोदी जी का नाम भी लेना चाहते हैं, बहुत तकलीफ है उसे अंदर से, मोदी जी की लहर थी, उसे कुछ नहीं बोलना, एक बंदे पे आ गया बस उसका था, और तुम रीड गलत करे थे, लहर कहीं और थी, के मतलब वो उसको बहुत ये था कि मोदी जी का नाम क्रेडिट नहीं दे सकता। हाँ। भैया मैं मोदी जी को नहीं क्रेडिट दूंगा। हाँ। और अभी इलेक्शन हुए नहीं है तो कहीं क्रेडिट दे दिया तो मोदी जी का, हाँ। का कहीं वोट और ज्यादा ना बढ़ जाए, तो वो क्रेडिट हटा के मैं नेगेटिव ही बोलता हूँ बीजेपी के बारे में, मोदी जी के बारे में, और ये देखो इन्होंने ये गलत किया, इनके चेहरे को छोटा कर दिया, फलाना नेगेटिविटी ही लाने की कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की, और वो भी कि बीजेपी के अंदर ये सब चल रहा है और उनके थ्रू हमें पता चल रहा है। क्या क्या मतलब फेक चीजें बोलकर दुनिया को पागल कर रहे हैं, और जो इनको सुनते होंगे सीधे साधे जो होंगे मान के वो मानते होंगे, वही कांग्रेस के जो होंगे वो इसको सुन के बोलते होंगे वो ये हो रहा है, अच्छा ये तो बिल्कुल सच बोल रहा है, और फिर भैया आते हैं जो बीजेपी के सपोर्टर्स होंगे उनके सामने फिर हो जाते हैं शुरू बिना दिमाग लगाए। पर दिस मैन वाज जस्ट, मतलब उसकी बातों से इमीडिएटली पता चल रहा था कि ये बंदा बेतुका बोलने वाला बंदा है, साफ पता चल गया यार, उसने जिस तरह से बात की है, कांग्रेस वाली बात करेगा, पता नहीं ये मीडिया वालों को जो होना चाहिए, दे शुड जस्ट टॉक अबाउट फैक्ट्स, इतने वोट से जीते, ये किया था उनका, ये चीजें अच्छी थी, ये उनको बेटर करनी चाहिए थी, कांग्रेस क्यों हारी, ये सब बोलो, अंदर से बड़ी सभी लोगों का एनालिसिस खराब हो गया था, स्पेशली कांग्रेस का, और कांग्रेस वाले जैसे ये लोग हैं इन सबका, रवीश कुमार वगैरह का सबका एनालिसिस खराब हो गया, ये तो झटका लगा, हाँ, झटका लगा, ये तो बोल रहे हैं कांग्रेस ही जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, सब ये पक्का हो गए थे कांग्रेस जीतेगी, एग्जिट पोल भी कांग्रेस बोल रहे हैं, इनको बहुत बड़ा शॉक लगा, उसके बाद इन्होंने सब अपना चेंज करना पड़ा। अब इनको डर भी है कि बीजेपी आएगी, अब बहुत पूरा मतलब क्लियरली नेगेटिव तो बोल नहीं सकते, फंस जाएंगे, तो अब उस टाइप से ना वो बीच का जो रास्ता है ना वो अपनाया जा रहा है, और लोग भी डेफिनेटली ये कहेंगे तुम्हारा सारा एनालिसिस रॉन्ग था, क्योंकि तुम जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे हो रहे थे तो तुम बोल रहे थे कांग्रेस जीतेगी, पूरा उल्टा हुआ, तो लोग बोलेंगे इसका मतलब तुम्हारा एनालिसिस ठीक नहीं था, और उसी को ब्लेम कर दिया मीडिया पे कि मीडिया की लहर थी, बिल्कुल तुम भी पार्ट ऑफ मीडिया, तुम ही तो मीडिया हो और कौन है मीडिया की लहर, तुमने ही वो लहर चलाई दी है, कमाल है यार। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।